इस रूम का लाइट जिस सेंसर का यूज करके हमने ऑन एंड ऑफ किया है उस सेंसर का नाम है दोस्तों आईआर सेंसर। ये आईआर सेंसर स्विच है एक्चुअल में, जो आप यूज कर सकते हो एसी लोड्स को ऑपरेट करवाने के लिए। ये एसी पर चलता है, एसी पावर सप्लाई पर चलता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो इनटू योर हाउस टू कंट्रोल द लाइट्स ऑफ योर रूम। आईआर सेंसर है इसलिए ये आपको एक कॉन्टेक्टलेस सर्विस देता है, यानी आप बिना टच किए लोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। इसका यूज आप मल्टीपल जगह पर कर सकते हो, जैसे ऑफिस में कर सकते हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में कर सकते हो, जो भी पब्लिक प्लेसेस है या हाई ट्रैफिक एरियाज है उन जगहों पर कॉन्टेक्टलेस ऑपरेशन के लिए इस आईआर सेंसर स्विच का आप यूज कर सकते हो। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हो ऑटोमेशन ड्यूड। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ABS प्लास्टिक मटेरियल का आता है। अगर आपको इसे परचेस करना है तो आप ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनका कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इसकी परचेस लिंक मुझे मिल जाती है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन दोस्तों चेक कर लेना। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसका कवर आप इजीली निकाल सकते हो, सिंपल कवर है। उसके बाद ये रहा मेन इसका आयर सेंसर, जो एक ब्लैक केसिंग में आता है। ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ पर हुक्स और होल्स दिए हैं। अगर आपको इसे माउंट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज मॉड्यूलर जो बॉक्सेस होते हैं उसमें भी ये फिट हो जाता है आराम से। स्क्वायर शेप है इसका। इसकी बैक साइड है जहाँ पर कनेक्शंस है, लोड, न्यूट्रल और एक इनपुट लाइन यानी फेस 230 वोल्ट्स। अगर मैं इसके लोड कैपेसिटी की बात करूँ तो जो नॉर्मल बल्ब्स हैं 1200 वॉट तक आप इस पर लगा सकते हो, 1200 वॉट दोस्तों। और अगर एलईडी बल्ब आपको लगाना है तो 1 वॉट से 300 वॉट तक आप इस पर एलईडी बल्ब्स लगा सकते हो, 1200 वॉट इनकैंडेसेंट बल्ब्स लगा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई की, तो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट एसी पर ही ऑपरेट होता है, 50 हर्ट्ज जो रेगुलर है। उसके बाद सेंसिंग रेंज इसकी आपको 4 से 5 सेंटीमीटर की मिल जाती है, यानी इतने डिस्टेंस पर करीब ये सेंस कर लेता है टू परफॉर्म द ऑपरेशन, बेसिक है इसका। उसके बाद में ये जो क्लिप्स आपको दिख रही है, बेसिकली इट इज़ डिज़ाइन फॉर मॉड्यूलर बॉक्सेस। अगर आपके घर में मॉड्यूलर बॉक्स होगा तो इजीली आप उसके अंदर इसे फिट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसका जो ऑपरेशन है वो आपने देख ही लिया है, एक बार स्वाइप किया तो ऑन होगा, दूसरे बार स्वाइप किया तो ऑफ होगा। वायरिंग देखने से पहले दोस्तों वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर स्विच बोर्ड में मैंने जो पहले माइक्रोवेव सेंसर लगाया था, बस उसे ही मैं रिप्लेस करके अलग अलग सेंसर्स लगा रहा हूँ। तो उसके जो तीन वायर्स मैंने निकाल के रखे थे, फेस, न्यूट्रल और एक लोड, उन्हीं तीन वायर्स को आपको लगा देना है सिंपली इस सेंसर के साथ। तो वो जो तीन वायर्स हैं वो कनेक्टेड है मेरे रूम के एक लाइट से। अगर आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होगा तो ही आप ये करो, अदरवाइज इलेक्ट्रिशियन को बुला के आप कर सकते हो। अभी वायरिंग देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो माइक्रोवेव मोशन सेंसर है उसे निकाल दूंगा। उसमें तीन वायर्स है, न्यूट्रल, लोड और फेज। तो जो तीनों वायर्स हमने निकाल ली है उन्हें उसी ऑर्डर में, यानी न्यूट्रल, लोड और फेज, इस सेंसर के अंदर लगा देना है। इसमें आपको स्क्रू खोल कर लगाना पड़ता है। सो वायरिंग बहुत ही सिंपल है, तो हम इसे जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। वायरिंग करते समय दोस्तों एक बात का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जो मेन पावर सप्लाई है वो ऑफ होना चाहिए पूरे घर, इससे शॉक लगने का खतरा टल जाता है। तो ये हो गया दोस्तों वायरिंग, अभी हम करते हैं इसका टेस्टिंग। चलिए देखते हैं कैसा ये वर्क करता है। परफेक्ट दोस्तों, ये सेंसर तो मुझे इतना पसंद है क्योंकि इसमें ना आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत है किसी के साथ। एक बार आपने हाथ स्वाइप किया रूम की लाइट ऑन हो जाएगी, दूसरी बार स्वाइप किया तो रूम की लाइट ऑफ हो जाएगी। सिंपल परफॉर्मेंस है दोस्तों और ज़्यादा झंझट भी नहीं है। अगर आपको सिंपल आपका होम ऑटोमेशन करना स्टार्ट करना है सो आई वुड रिकमेंड कि इस आयर सेंसर को आप खरीद ही लो, लगा ही लो। वायरिंग भी सिंपल है, वर्किंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी पूछ लेना। ऐसे ही कूल वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।